पुरुषोत्तम मास महाश्मकता अध्याय 12। नारद जी बोले, जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु, उस बाला ने शोक कर क्या किया, सो मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था, सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा, सो हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिव जी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे सांस लेती हुई बड़ी डरी और किशोदरी अश्रुपात पूर्वक रोने लगी। हृदयाग्नि से उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपयुक्त शोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी वाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमक कर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाले वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से सुवर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वही कुमारी द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी, वही सब लोकों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को वेध कर भीष्म कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान कर क्षुभित रजमंडल में अर्जुन ने पांचाली को पाया। हे मुने, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधो, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ रामानाथ, हे केशव, हे क्लेशनाशन, मेरे माता पिता, भातवर्ग, सहेलिये, बहन, भांजे, बंधु, इष्ट, पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं। हे गोविंद, हे गोपिकानाथ, दीनबंधु, दयानिधे, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते? यद्यपि पहले पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, पर जब दुशासन ने पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़ शीघ्र वहाँ पहुँचकर मैंने ही, हे राजन, उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही प्राण हूँ, जिसके ऐसी सदा मेरे भजन में परायण मेरी अत्यंत प्रिया सती सखी मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी सेव्य है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्यों द्वारा तो सेवनीय है ही, अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। बाद तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होगे। ना मेरे को लक्ष्मी प्रिय, ना मेरे को बलभद्र जी प्रिय, और ना मेरे वैसे मेरे को देवी देवकी, ना प्रदुमन, ना साइक प्रिय हैं। जैसे मेरे को भक्त प्रिय हैं, वैसे कोई प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया, उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण ने उन पांडुपुत्र युधिष्ठिरादिकों को और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी तो आज जाऊंगा,
जहाँ पर महाभाग वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवी देवकी तथा गद सांब आदि और आहुक आदि यादव रुक्मिणी आदि जो स्त्रियां हैं, दर्शन की उत्काष्ठा वाले ये सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करते होंगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडव पुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि हैं और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्रूपी भ्रमरों का जीवन आपका चरण कमल ही है, आप ही हमारे आधार हैं। इसीलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं। इन पांडु पुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्णचंद्र प्रेमानंद में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडु पुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी को गए। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थ में भ्रमण को गए। हे ब्राह्मण नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास के मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, अहो पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजनाचार किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडव पुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुने नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निकंटक राज्य को प्राप्त किए। पूर्व काल में सूर्यवंश में होने वाला धृणधमदा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी पुत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर योगियों में भी दुर्लभ जो भगवान का वैकुंठ लोक है वहाँ गया। हे मुनिश्रेष्ठों नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने को समर्थ नहीं हूँ। श्रुत जी बोले, हे प्रियलोग, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से मैंने सुना है, तथा कहने को मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म को स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले हैं, चरण पीठ जिनके ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्णचंद्र भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म नहीं जानते हैं तो मनुष्य कहाँ से जान सकता है। इति बृहन्नादीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मने द्वादशो अध्याय। हरि गोविंद हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।